मौज़ सामीन, अंग्रेजी के एक मशहूर राइटर और ड्रामा निगार शेक्सपियर ने क्या खूब कहा है कि हर इंसान एक एक्टर यानी अदाकार है और जिंदगी के स्टेज पर अपने हिस्से का किरदार अदा करके वापस चला जाता है। आज इस महफिल में हम अपने सीनियर क्लास के तलबा को अलविदा कर रहे हैं, हालांकि ये हमारे लिए बहुत अफसुदा और उदास लम्हा है क्योंकि हमारे साथ उनकी तकरीबन 10 साल की रफाकत इख्तिताम पज़ीर हो रही है। आज ये सब हमारे भाई बहने हमें खैर बात कह रहे हैं। बहरहाल मैं गुजारिश करती हूँ सोबे से कि वो डाइस पर आके अपनी नजर पेश करें। मोहतरम सदर महफिल, चेयरमैन साहब, प्रिंसिपल साहब, काबिले कदर किराम, अजीज सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने आपके सीनियर्स के जज्बातों को कुछ अशारों में पेश करने की जसारत कर रही हूँ। उम्मीद है कि सामीन को एक तोहफा पसंद आएगा। तो अर्ज कुछ यूँ है कि ये स्कूल बहुत याद आएगा। जो बीत चुका है वक्त यहाँ, वो वक्त लौट कर नहीं आएगा। ये स्कूल बहुत याद आएगा। वो बोरिंग सी पढ़ाई, वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, वो टेस्ट का कैंसिल हो जाना, वो टीचर्स का अपसेट हो जाना, एक अनएक्सपेक्टेड छुट्टी का मिल जाना, वो टीचर्स अच्छी स्कूल के काम में फंस जाना, वो बीती बातें जो हम याद करेंगे बाद में हमारे होठों पे एक मुस्कुराहट ले आएगा, ये स्कूल बहुत याद आएगा। वो लास्ट बेंच पर इससे पहले छीन छीन कर खाना खाना, वो टीचर्स के नमूने पर जोर जोर से चिल्लाना, वो मॉनिटर के साथ की गई लड़ाई, वो साथ में बैठ कर की गई पढ़ाई, वो दोस्तों का प्यार, वो टीचर्स का दुलार, वो डस्टर का बेंच पर बजाना, वो शोर मचाने पर बोर्ड पर नाम लिखना, वो डिक्टेट करके काम होना, वो चिल्ला चिल्ला कर गाना गाना, वो रूठे दोस्तों को मनाना, वो छोटी छोटी बातों पर खुद रूठ कर बैठ जाना, बाद में हमारे लिए एक याद बन कर रह जाएगा, ये स्कूल बहुत याद आएगा। वो लाइब्रेरी में अंताक्षरी खेलना, वो टीचर्स की डांट झेलना, वो दो चोटी में स्कूल जाना, वो लेट आने पर पकड़े जाना, वो स्कूल के कॉरिडोर पर दौड़ लगाना, वो टीचर्स के साथ पढ़ना, वो चलते चलते सबका मजाक उड़ाना, वो सर्दी की धूप में महफिल लगा कर बैठ जाना, वो दोस्तों का प्यार, वो मस्ती मजाक, जब एक झटके में सब कुछ पीछे छूट जाएगा, ये स्कूल बहुत याद आएगा। किया मानी।